वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी गाइस, दिस इज अजय कुमार नामदेव और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल एप्टीट्यूड का लेक्चर 6, जो कि डीबीटी क्रैश कोर्स सीरीज का पार्ट है जो स्मार्ट लर्निंग एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा है उन लोगों के लिए है जो कि डीबीटी 2020 को टारगेट कर रहे हैं। मैंने अभी तक यहाँ पर 2016 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन है 2016 जो मैं सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद हम 2015 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 1%, देन the percentage change in the volume would be approximately. Now, for this question, the percentage is very small. First of all, मैं आपको बता देता हूँ कि percentage बहुत small है. तो suppose कि जो side length है cube की, वो कितनी हो गई? Let's just suppose कि 1 centimeter, 1 meter आप कोई unit मान सकते हैं, ठीक है? मैं 1 unit लिख दे रहा हूँ, आप meter, centimeter जो चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो change है, वो कितना है? 1% का. So 1% is 0.01 unit. So, जो न्यू साइड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? 1.01 यूनिट, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड लेंथ, साइड लेंथ का क्यूब। अगर इस वाले के लिए मैं निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब, दैट इज 1 यूनिट ओनली। और इसके लिए निकालने जाऊंगा सो 1.01 का होल क्यूब। अब आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि आप इसे कैसे निकालें। इसके लिए मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि आप अभी 1.01 को मान लीजिए 101, आपको इसका क्यूब निकालना है। इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1 का होल क्यूब। अभी हो जाएगा क्या? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी को हम अगर एक्सपेंड करते तो जाता है 3a² b प्लस 3ab² तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दूसरे तरीके से लिखा है। अब मैं इस इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 100 एंड b की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो 100 का क्यूब प्लस b का वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 100 प्लस b की वैल्यू 1। नाउ इसको करेंगे, 100 का क्यूब क्या होता है? 10 लाख, 60 जाएंगे, 2 है यहाँ पे, है 3 पावर है तो 2 3 टाइम्स, दिस इज 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 100 इंटू 1 विल बी 300 इंटू 100 प्लस 1 इज 101। ये तो अभी वैसे ही रहने वाला है, प्लस 1 इसे सॉल्व करेंगे तो 2 zeros हैं, तो 2 zeros आप वैसे का वैसे लिख लीजिए, 3 1 3 3 0 0 3 1 3। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 0 3 0 3 0 1, ठीक है? ये आपका आ गया क्या? 101 का क्यूब है, लेकिन आपको निकालना किसका था? 1.01 का। तो अभी इसका कितना आया है? 1 0 3 0 3 0 1। तो आप जब 1.01 का निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल के बाद कितने जो डिजिट्स है वो है 2। तो क्यूब जब आप करते हैं तो 2 अगर डिजिट्स है डेसिमल के बाद तो क्यूब करेंगे तो 2 के बाद 3, मतलब टोटल आपके पास कितने होना चाहिए? 6 डिजिट्स डेसिमल के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल। तो दिस इज द क्यूब ऑफ 1.01, ठीक है? फाइनली आपके पास जो वॉल्यूम आया है वो कितना आया है? 1.030301। हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत छोटा स्मॉल है, लेकिन हम इतने पार्ट को थोड़ा कंसिडर करेंगे। सिग्निफिकेंट जो हमने माना है वो 2 digits के सिग्निफिकेंट डिजिट्स माने, इसीलिए 1 unit को भी मैं लिख सकता हूँ 1.00 क्यूब में आएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगी यहाँ पे आपकी, जो भी मीटर होगा वो क्यूब में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यूनिट जो होगी वो क्यूब में होगी, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। नाउ हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी चेंज आएगा, चेंज बोले तो फाइनल या इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। नाउ फाइनल मतलब जो न्यू है आपका, या आप यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल को लिख सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100, दोनों एक ही बात है। जब फाइनल या इनिशियल, जब कंडीशंस की बात हो तो फाइनल इनिशियल लिखते हैं, अभी यहां पे वॉल्यूम है तो न्यू और ओल्ड यूज कर रहे हैं। सो न्यू कितना है? 1.03। ओल्ड कितना था? 1.00। सिमिलर नीचे अपन ओल्ड में 1.00, परसेंटेज के लिए 100। नाउ ऊपर चेंज कितना हो जाएगा? 0.03 अपॉन 1 इंटू 100। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3%। सो दिस इज द वॉल्यूम चेंज एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइज ये चीज आपको समझ में है किस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं इस तरीके से, खासतौर से जो 100 के आसपास वाले होते हैं। यहाँ पे आप ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर 96 98 जैसा कोई नंबर होगा आपके पास। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 2 questions मेंशन किए, ये 2016 का क्वेश्चन है और ये 2015 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी देख लीजिए और डिफरेंस दिखिए क्या क्या है।
इन अ फैमिली विद थ्री चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आर बॉयज एंड वन इज अ गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ देर आर थ्री चिल्ड्रन इन अ फैमिली देन द प्रोबेबिलिटी दैट देर इज ओनली वन गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली, ठीक है। तीन में से एक गर्ल, यहाँ पे भी तीन में से एक गर्ल, सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो आप लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं डीबीटी में, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर आ सकता है। पर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आपके पास टोटल कितने चिल्ड्रन है, थ्री चिल्ड्रन सर। और पॉसिबिलिटी जो भी होंगी हम देखते हैं अभी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, लेकिन एक चिल्ड्रन जो भी होगा या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, ठीक है। हमसे पहले क्वेश्चन में जो भी पूछा गया वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप देखिए एक कोई भी एक समझ लीजिए ह्यूमन बीइंग या एक बच्चा जिसे बोलना चाहिए चाइल्ड है, इसके बॉय होने की और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। देखिए इसके आउटकम्स कितने हैं 2। इसी को अगर आप मैं एक और चीज से कंपेयर करके बताता हूँ, एक सिक्का है मान लीजिए कॉइन जिसे बोलते हैं, तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली कोई भी किसी के अभी एक बच्चा पैदा हुआ तो क्या, या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, दोनों सेम इवेंट, समझ आ रहे हैं आपको कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है। जैसे अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो जो भी हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो सिमिलरली यहाँ होंगे कि पहली बार आप मतलब कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ तो वो भी बॉय या गर्ल होगा, सेकंड टाइम होगा वो भी बॉय या गर्ल होगा, थर्ड टाइम होगा वो भी बॉय या गर्ल होगा। सिमिलरली एक कॉइन के लिए भी ऐसी होता है, एक पहला कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड टेल आएगा, सेकंड टाइम भी हेड या टेल ही आएगा, थर्ड टाइम हेड या टेल में से कुछ आएगा। तो ये दोनों की सिमिलैरिटी समझ रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम इसका जो बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, क्या क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे बच्चे जो पैदा होंगे उनकी, कि कौन सा बॉय कौन सा गर्ल हो सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो भी आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी इवेंट हुआ है वो कितना है 3। तो 2 to the power 3 विल बी पॉसिबल आउटकम, 2 to the power 3 is 8, तो दिस विल बी अ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बेसिक ट्रिक। लेट्स सपोज कि अगर एक कॉइन है, कॉइन को आपने टॉस किया है तो हेड या टेल आएगा। अगर यही कॉइन 2 बार टॉस होता, ठीक है, तो क्या होता, हेड हेड टेल टेल आप इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे एक बार अपोजिट मतलब अल्टरनेट लिखेंगे HT HT करके, तो दिस विल बी अ पॉसिबल आउटकम्स। नाउ सिमिलरली अगर 3 बार टॉस हुआ होता, तो 3 बार टॉस हुआ है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने होंगे उसका हाफ होता है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं इस केस में, 2 आउटकम है पॉसिबल आउटकम, और कितनी बार इवेंट हुआ है 2 बार, तो 2 to the power 2 will be 4। सो दिस इज योर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। सिमिलरली यहाँ पे कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 8, तो हम उसके हाफ में मतलब 4 में, तो 4 में हम यहाँ लिखेंगे 4 बार हेड और 4 बार टेल। सिमिलरली यहाँ पर अब इसका हाफ हो जाएगा, 2 बार हेड 2 बार टेल, अब उससे भी हाफ, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल। सो दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स, ये जो हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बॉय या गर्ल के केस के लिए भी यही होगा, बॉय या गर्ल के केस के लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे क्या, या तो बॉय या गर्ल हो सकता है 2, और कितनी बार हो रहे हैं 3 बार, सो टोटल नंबर होगा 8। सो यहां पे अगर आप बात करें तो क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा 4, तो 4 बार बॉय 4 बार गर्ल, 2 बार बॉय 2 बार गर्ल, 2 बार बॉय सॉरी 2 बार बॉय 2 बार गर्ल, फिर 2 बार बॉय एंड 2 बार गर्ल, फिर 1 बार बॉय 1 बार गर्ल, 1 बार बॉय 1 बार गर्ल, 1 बार बॉय 1 बार गर्ल, 1 बार बॉय 1 बार गर्ल। नाउ दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स कि इतने सेट हो सकते हैं, हो सकते हैं तीनों लड़के हैं, हो सकता है 2 बॉय 1 गर्ल हो, हो सकता है यहाँ पे भी 2 बॉय 1 गर्ल है, यहाँ पे 1 बॉय 2 गर्ल है, यहाँ पे भी 2 बॉय 1 गर्ल है, यहाँ पे 1 बॉय 2 गर्ल है, यहाँ पे 1 बॉय 2 गर्ल है, यहाँ पे 3 गर्ल्स है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया, आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉयज एंड 1 इज गर्ल। सो यहाँ पे अगर आप देखें कि 2 बॉयज और 1 गर्ल कहां कहां पे हैं, एक तो ये वाला केस है, ठीक है, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउट के आउटकम्स जो आपको चाहिए वो क्या है, जो आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं 2 बॉय और 1 गर्ल की, वो ये 3 आउटकम्स है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने होगा 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 8 पॉसिबल आउटकम जितने बोलना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज ओनली वन गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली, तो एक गर्ल चाइल्ड फैमिली कहां पर है, यहीं पर सिर्फ एक ओनली वन गर्ल है, यहाँ पे 2 बॉयज होंगे वहीं पर एक सिंगल गर्ल मिलेगी, बाकी आपको हर जगह यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, तो आपको कहां मिलेगा, सिर्फ इन्हीं 3 केसेस में
आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी आंसर क्या होगा, 3/8, 3 आपके फेवरेबल एंड 8 टोटल, तो योर आंसर विल बी 3/8, जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 3/8, तो इसकी भी 3/8 होगी और इसकी भी 3/8 होगी। होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डीबीटी क्वेश्चंस घुमाता है। सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कोई लॉजिक भी डिफरेंट नहीं है, बट आपको लैंग्वेज बदल के दे दिया गया है। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा हल्के में ना लें, आप इसे सॉल्व करें। नाउ ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यहां से आप 2015 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 वुमेन एंड 6 मेन 5% आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिलेक्शन कमिटी इन विच एटलीस्ट 3 वुमेन शुड बी देयर, हाउ आर द पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी आर द पॉसिबिलिटीज। नाउ सबसे पहले क्या पता है आपको कि 7 मेन है, सॉरी 7 वुमेन्स एंड 6 मेन है, आपको टोटल इनमें से कितने बनाने हैं, 5। अब आपको पता चाहिए कि 5% सिलेक्ट, उसमें से भी क्या कंडीशन बोली गई है कि 3 वुमेन एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब आगे जितनी भी होंगी 3 और 3 प्लस होंगी, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है ऐसी 3 वुमेन्स की, अगर 5 है टोटल तो 3 वुमेन 2 मैन हो सकते हैं, दिस इज द एटलीस्ट कंडीशन। नाउ 4 वुमेन भी हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला है, मतलब 4 तो हो ही सकते हैं, इससे नीचे नहीं हो सकते लेकिन इससे ज्यादा हो सकते हैं। सो वी विल कंसीडर द केस ऑल्सो कि 4 वुमेन होंगी और 1 मैन होगा। सिमिलरली एक कंडीशन होगी जहां पे 5 की 5 वुमेन होंगी और एक भी मैन नहीं होंगे, 0 मैन। तो ये 3 केसेस आपके बनेंगे, तो आपको इन तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी पता करना पड़ेगी और तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 वुमेन के लिए अगर आप देखते हैं कि 3 वुमेन है 2 मेन्स है, तो 3 वुमेन आप कितने में से सिलेक्ट करेंगे, 7 वुमेन्स में से। तो 7 वुमेन में से 3 वुमेन को सिलेक्ट करने की जो बोलना चाहिए तरीका या चांसेस है वो जाएंगे क्या, 7C3 वेज, जिसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 वुमेन्स आउट ऑफ 7 विल बी 7C3, ठीक है। और 2 मेन्स को सिलेक्ट करने के लिए 6 out of 6, तो 6C2, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट केस। सिमिलरली 4 वुमेन के लिए 7C4 इंटू 1 मैन के लिए 6C1, यहाँ पे 5 वुमेन के लिए 7C5 आउट ऑफ 7 वुमेन 5 विल बी सिलेक्टेड एंड फॉर मैन 6C0, एक भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। नाउ 7C3 विल बी, अब यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज की कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आना चाहिए, तो मैंने आपको बताया अगर 7C3 को सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, 7/3 लिख लीजिए, अब यहाँ से सबको डिक्रीज करते जाइए, 7 × 6 यहां से करते जाएंगे 3 × 2, फिर इसको करेंगे 6 × 5 एंड 2 × 1, जहां पर डिनोमिनेटर में 1 आ गया वहां जाके रुक जाएंगे, इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 6 होता है, तो 3 × 2 = 6 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 7 × 5 = 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। 6C2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिमिलरली तरीके से जैसे करते हैं 6C2, तो 6/2 लिख लीजिए, 6 के बाद 5, 2 के बाद 1, ये आ गया 1, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15, ठीक है। तो 35 × 15, सिमिलरली 7C4 जो होता है 7C3 के बराबर होता है, क्यों, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एनसीआर की कॉम्बिनेशन में, NCR = NCN − R, तो अगर यहाँ पे 7 है, C की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं 7C7 − RR = 3, तो 7C4, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कभी भी। तो 7C4 = 7C3, मतलब कि ये 35 होगा, 61, NC1 हमेशा N होता है, तो 61 = 6, 7C5 विल बी अगेन, अब 7C5 सॉल्व करना थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए, कैसे 7 × 6, 6/4 करेंगे, फिर 5/3 करेंगे, फिर 4/2 करेंगे, फिर 3/1 करेंगे, अब इतना सॉल्व करने से बेटर क्या है, आप 7C5 को क्या लिख सकते हैं, 7C2, क्यों, NCR = N − R होता है, मैंने बताया, इससे आप करेंगे 7C5 को 7C2 लिख लेंगे, 7C2 सॉल्व करना रिलेटिवली इजी है, 7/2 × 6/1, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 7 × 3 = 21, तो 7C5 विल बी 7C2 जो कि 21 होता है, × 6C0 = 1, NC0 हमेशा 1 होता है, तो 35 × 15 करेंगे सॉल्व, तो 15 × 75 = 5 कैरी 7, 15 × 45 = 7, 52, 525, नाउ 35 × 6 = 210 प्लस 21, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 756, 5 + 1 = 6, 2 × 4 एंड 1 = 5 एंड 5 × 2 = 7, सो 756, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज जिस तरीके से आप इस टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स, वन फ्रॉम दिल्ली टू पुणे एंड अदर फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस, after they meet the trains reach their appropriate destination after 4 hours and 9 hours respectively, the ratio of their speeds is, now let's suppose ki this is the Delhi and this is Pune, yahan se ek train chali hai Delhi se, ek train chali hai Pune se,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट प्रोग्राम पास करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। जब ये पास करेंगी तो पास करने के बाद क्या हुआ है कि आफ्टर द मीट द ट्रेन रीच देयर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन आफ्टर 4 hours and 9 hours, मतलब ये यहाँ से 4 hours में पहुंचा अपने डेस्टिनेशन और ये यहाँ से 9 hours में पहुंचा। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसने ये डिस्टेंस थोड़ा जल्दी ट्रेवल किया होगा, ठीक है। जिसने भी ज्यादा टाइम ले रहा है, जो भी उसकी जो जिसका टाइम ज्यादा लेता है उसकी स्पीड कम होती है। आपको भी पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों का तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो जिसको स्पीड ज्यादा होती है जिसकी, उसको टाइम कम लगता है। जिसका टाइम ज्यादा लगता है उसकी स्पीड कम होती है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने को आए, कभी भी ध्यान रखें कि आपको एक जगह आके वो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसके बाद वो उनका रेस्पेक्टिव टाइम दिया गया है किस तरीके से वो कहां पहुंच रहे हैं, तो आपको सीधा अगर रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है, सपोज की दो ट्रेन है, ये आप मैं बताता हूं, पहली वाली जो यहां जा रही है वो ए हो गई, ये बी हो गई, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी विल बी अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए। इनवर्स में होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, वो भी अंडर रूट में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहां पे अगर मैं रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर इट, टाइम टेकन बाय ए कितना है, सॉरी टाइम टेकन बाय बी पहले देखेंगे, बी को कितना टाइम लगा सेकंड ट्रेन को, 9 hours, पास करने के बाद का टाइम होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 9 hours अपॉन ए को लग रहा है 4 hours, तो 9/4, 9/4 का रूट निकालेंगे तो 9 का 4 का रूट होता है 3, 4 का रूट होता है 2, सो द रेशियो इज 3:2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है बेसिक सा, तो आपके लिए क्वेश्चन सेकंड्स का है, कुछ नहीं करना, जो भी टाइम दिया हुआ है उसके इन्वर्स करके उसका रेशियो ले लेना है, एंड दैट इज द आंसर। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटेनर हैज अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5। When 9 liters of mixture are taken off and the container is filled with 9 liters of water, the ratio between kerosene and water becomes 7:9. How many liters of kerosene were initially in the container? Now, क्या हुआ है कि पहले एक कंटेनर था, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज होगी कंटेनर की, ये भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे केरोसिन और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5। अब इसमें से क्या हुआ, 9 liters निकाल दिया गया मिक्सर से, ठीक है। मिक्सर से निकालने के बाद इसमें वापस क्या एड कर दिया गया है, 9 liters ऑफ वाटर। अभी जब मिक्सचर निकाला है इसमें से केरोसिन और वाटर दोनों होंगे, लेकिन इनको मिक्सचर है, लेकिन ऐड किया गया है सिर्फ वाटर, ठीक है। और जो आफ्टर एडिंग वाटर जो रेशियो हो गया है, वो रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो 7:9 का। ना आपसे पूछा गया है कि इनिशियली केरोसिन कितना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेट करेंगे, लेट द टोटल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम, टोटल इनिशियल वॉल्यूम बी कितना रेशो है यहाँ पे 7:5 का, तो दोनों को ऐड करेंगे 7+5, तो टोटल आप वॉल्यूम मान लीजिए 12x, ठीक है, 12x आप मानेंगे। तो अगर 12x है तो आपके पास केरोसिन कितना होगा इसमें से, इनिशियल में 7x और वाटर होगा 5x, ठीक है, यही होगा, केरोसिन 7x एंड वाटर इज 5x। नाउ अब निकाला गया कि 9 liters, अगर 9 liters निकाला गया है तो इसमें केरोसिन कितना होगा, 7:5 के रेशियो में, तो केरोसिन विल बी 7/12 एंड वाटर विल बी 5/12, ठीक है। सो 9 liters अगर निकाला गया है तो 9 × 7/12 विल बी द अमाउंट ऑफ केरोसिन, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 7 = 63/12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5.25। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 12 × 5 = 60 बचेगा 3, आप डेसिमल रखेंगे, देन 12 जीरो लगाएंगे, 12 × 2 = 24, 6 बचेगा अगेन, 12 × 5 = 60, तो दिस विल बी अ केरोसिन इन दैट 9 liters, ये 9 liters में केरोसिन है। अगर 9 liters में अगर इतना केरोसिन है तो वाटर कितना होगा, 9 − 5.25 विल बी वाटर, तो वो कितना जाएगा, 3.75 liters इज वाटर, ये केरोसिन है लीटर में, ये सिर्फ किसका बता रहा हूं मैं, 9 liters के लिए, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए, आपके पास 12x था टोटल, जिसमें से 7x क्या था, केरोसिन, और 5x क्या था, वाटर। नाउ 9 liters निकल गया, तो 7x में से 9 liters में कितना केरोसिन था, अगर आप ध्यान देखें 9 liters में 5.25, तो 7x में से 5.25 केरोसिन तो निकल गया, ठीक है, और वाटर में भी निकला है कुछ, वाटर कितना निकला है, 5x में से 3.75 वाटर निकला है। नाउ
ऐड कितना हुआ वाटर 9 लीटर, तो लीटर तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, 9 लीटर ठीक है, 9 लीटर वाटर हुआ है ना। तो आपके पास क्या हो गया टोटल केरोसिन का वॉल्यूम 7x-5.2 है, दिस इज द केरोसिन इन द मिक्सचर। नाउ 5x, इसमें आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस 5.25 ठीक है। ये हो गया आपका न्यू वाटर, ये हो गया आपका न्यू केरोसिन वॉल्यूम ठीक। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 7:9, तो आप करेंगे 7/9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 9 7 63x माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे 9 5 45 कैरी 4, 9 2 18 422 का 2 कैरी 2, 9 5 45 47 तो 47.25। अब इसको करेंगे तो 7 5 35 प्लस इसको करेंगे 7 5 35 5 कैरी 3, 7 2 14 3 17 7 कैरी 1, 7 5 35 1 36 36.75। नाउ x वाले टर्म्स को एक साइड ले आइए, 63x माइनस 35x, विदाउट x को एक तरफ ले जाइए, 36.75 प्लस 47.25। इससे आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28x। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 47.25 प्लस 0.75 इसमें ऐड कर दे तो 48 हो जाएगा, एंड 48 प्लस 36 विल बी 84। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 84/28, इसको आप करेंगे 28 1 28 28 3 84, सो x इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास एक फैक्टर आया है, अभी आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम कुछ भी नहीं आया है। अब आप देखिए कि टोटल वॉल्यूम कितना मांगा था इनिशियल 12x, जिसमें से 7x केरोसिन था इनिशियली एंड 5x वाटर था। आपको केरोसिन निकालना है इनिशियल, 7x है, x की वैल्यू कितनी है 3, 7 3 21 लीटर, दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ केरोसिन या इनिशियल अमाउंट ऑफ केरोसिन, दिस इज योर आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का रेशियो है, किस तरीके से आपको अज्यूम करना है वैल्यूज यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, या थोड़ा ध्यान रखेंगे कि रेशियो जो होता है आप उन्हें ऐड करके ही यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 40 120 60 180 90 एंड देन द ब्लैंक स्पेस 130। नाउ 40 120 60 180 90 अब यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इट इज 3 टाइम्स 14 टू 133 इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 120 इनटू 60 इज 1/2, सॉरी मतलब 1/2, दैट इज हाफ, इसका हाफ हो रहा है। अगेन यहां पे देखिए 16 टू 180 इज 3 टाइम्स, यहां पे अगेन देखें हाफ हो रहा है, तो अगेन नेक्स्ट क्या होगा 3 टाइम्स, तो 19 इनटू 3 इज 270। अगर इसके आगे जाएंगे तो 270 का हाफ 135 होता है, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि क्या जो सीरीज है वो क्या चल रही है, इंटू थ्री डिवाइड बाय टू, सो दिस इज द सीरीज। तो आपका जो मिसिंग टर्म होगा वो कितना होगा 270। तो गाइस ये क्वेश्चन भी अगर मैं आपको बोलूं तो मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूँ पिछले 4-5 लेक्चर से, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना जल्दी आप पैटर्न पहचानेंगे आपके लिए उतना अच्छा, नहीं तो ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा और कुछ नहीं। With this, I am binding this lecture and hope आप जो session आपके लिए थोड़ा helpful रहा होगा। And guys, like, follow and subscribe our channel for more updates. Smart Learning Academy is again providing some biotech lectures also, so you can enjoy that also. That is also free of cost. All these are free of cost and available on YouTube. So guys, please like, follow and subscribe our channel. Thank you.